एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल अनु टेक्नोलॉजी। तो गाइस, जब से व्हाट्सएप ने ये अपना न्यू प्राइवेसी लॉन्च किया एंड उसने बोला है कि वो जो यूज़र है उसका लोकेशन, बैटरी लेवल, ट्रांजैक्शन एंड पेमेंट प्रोसेसिंग, ब्राउजर डिटेल, बैटरी लेवल, ऑपरेटिंग सिस्टम, लोकेशन, डिवाइस मॉडल, सब कुछ वो कलेक्ट करेगा एंड फेसबुक को देगा। तब से जितने भी यूज़र हैं वो इसका अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं एंड ज़्यादातर लोग सिग्नल पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो फाइनली जो व्हाट्सएप है इसका रिप्लाई दिया है एंड उसने बोला है कि उसका जो प्राइवेसी है उसको मिसअंडरस्टूड नहीं करने के लिए एंड उसको उसने क्लेरिफिकेशन देते हुए अपना 7 कीज को बताया है एंड उसने ट्वीट भी किया है कि जो उसका प्राइवेसी है वो क्या है एंड उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है एंड उसने जो बताया है मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि क्या है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट ये है गाइस कि व्हाट्सएप विल नॉट एसेस टू प्राइवेट मैसेज, मतलब आपका जो प्राइवेट मैसेज है वो हमेशा प्राइवेट ही रहने वाला है, वो कोई भी थर्ड पार्टी उस मैसेज को रीड नहीं करने वाला, मतलब सेंडर एंड द रिसीवर उसके बीच में कोई भी उस मैसेज को रीड नहीं कर सकता। इस बात को व्हाट्सएप ने क्लियर किया है। ओके, नेक्स्ट जो बात वो बोला है कि 1-to-1 चैट्स एंड कॉल्स रिमेन प्राइवेट, तो आप जो कॉल भी कर रहे हैं एक दूसरे का, वॉइस कॉल या वीडियो कॉल, वो भी प्राइवेट रहेगा, कोई भी व्हाट्सएप के मेंबर या फिर फेसबुक के मेंबर उस कॉल को सुन नहीं सकते हैं। तो ये बात तो व्हाट्सएप ने क्लियर कर दिया है कि आपका 1-to-1 कॉल चैट जो है वो भी प्राइवेट रहेगा। ओके, जो नेक्स्ट पॉइंट है गाइस वो ये है कि व्हाट्सएप एंड फेसबुक कैनॉट सी योर शेयर लोकेशन, तो ये व्हाट्सएप ने बोल दिया है कि आप जो आपका जो लोकेशन है या फिर जो लोकेशन आप शेयर करें वो फेसबुक या व्हाट्सएप कोई भी उसको देख नहीं सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये है गाइस कि व्हाट्सएप डज नॉट शेयर कॉन्टैक्ट विद फेसबुक, तो जो भी आपका कॉन्टैक्ट फोन में सेव है वो व्हाट्सएप फेसबुक के साथ शेयर नहीं करता है, ये व्हाट्सएप ने क्लियर कर दिया ट्वीट करके। नेक्स्ट जो है गाइस वो ये है कि व्हाट्सएप ग्रुप विल रिमेन प्राइवेट, तो जितने भी व्हाट्सएप पे ग्रुप है वो भी प्राइवेट रहेंगे। रिसेंटली अभी गूगल पे कुछ ग्रुप्स के चैट्स आ गए थे, तो उसने व्हाट्सएप ने बोला है कि वो कुछ बग्स थे उसको उसने फिक्स कर दिया, कुछ गलती के कारण वो हो गए थे एंड यहाँ पे उसने बोल दिया कि आपके जितने भी चैट हैं वो प्राइवेट रहेंगे, किसी को भी आपका नंबर का पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट जो है वो गाइस की यूजर कैन चूज टू सेट डिसअपीयरिंग मैसेज, तो अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है या डाउट है तो आप डिसअपीयरिंग मैसेजेस भी चूज कर सकते हैं, जिससे जैसे ही आप डिसअपीयरिंग मैसेज उस चैट का ऑन करेंगे तो 7 डेज के अंदर आपके मोबाइल से भी एंड उस सामने वाले इंसान के मोबाइल से भी एंड व्हाट्सएप के सर्वर से भी वो मैसेज आफ्टर 7 डेज डिलीट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। नेक्स्ट जो है गाइज वो ये है कि व्हाट्सएप अलाउज यूजर टू डाउनलोड देयर डेटा, तो आप अपना डेटा को अपना फ़ोन में भी डाउनलोड कर सकते हैं, अपना गैलरी में उसको सेव कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो व्हाट्सएप ने ट्वीट करके बताया है कि इसका जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसको मिसअंडरस्टूड नहीं करने के लिए एंड इस बात को समझने के लिए। ओके गाइज़,